नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ दुर्गेश जी। क्या है, मैंने आपको कहा कि कार्य की अधिकता के कारण बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं, बहुत से पत्रक उनको सर्कुलेट किए जाते हैं, बहुत सारी किसी प्रोग्राम में बताई जाती है, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वो कभी ध्यान नहीं रहता। ये भी हो सकता है किस जगह पर टेंडर हुए हैं, कहाँ पर काम चालू हुआ है, उसकी भी नकल दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात तो नहीं होगी कि जनप्रतिनिधियों का उसमें बहुत बड़ा कोई रोल होगा, लेकिन जो प्रोग्राम वहां पर सहमति दे दी गई है, जो अनुशंसा कर दी गई है या जो टेंडर हो गए हैं, उनके डेवलपमेंट के बारे में, उनके वो धीरे क्यों चल रहे हैं या इसकी रिपोर्टिंग में जरूर कमी रहती है। क्योंकि ये सही बात है कि जब वहां पर कोई भी ऑफिसर ये जानकारी देने जाएगा तो जनप्रतिनिधि यही कहेगा कि अभी तक आपने इसका 40% ही किया है, ये तो 80% होना चाहिए था, या अभी तक ये काम क्यों नहीं शुरू किया है। तो जो मैंने आपको कहा कि जो कंसेप्ट है उनको तो अडॉप्ट कर लिया गया है, अब उनको इम्प्लीमेंट होने में जो स्वाभाविक टाइम लग रहा है उसके कारण शायद ऐसी हौच-पौच की स्थिति लगती है। लेकिन फिर भी आपके साथ ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ आपकी होनी चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो, इम्प्लीमेंट किस तरीके से योजनाओं का कराना, ये तो मंत्री को सोचना है, सरकार को सोचना है। नगेंद्र सिंह साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा, क्या लगता है जिस तरीके से, क्योंकि आपकी भी सरकारें रही है, क्या लगता है ये बहुत बड़ी जो है परेशानी होती है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो नेताओं की बात नहीं मानते, मंत्रियों की बात नहीं मानते, या कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप है, इस वजह से योजनाओं का जो मूर्त रूप लेना चाहिए, योजनाएं चलनी चाहिए, जो गति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, कागजों में सिमट कर रह जाती योजनाएं? देखिए दुर्गेश जी, कब सरकारों की तरफ से जो भी योजनाएं लागू की जाती है या जो योजनाएं जो है धरातल पर उतारने के लिए लाई जाती है, उससे पहले उस पर पूरा स्टडी की जाती है और उसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि इन योजनाओं को मूर्त रूप में लाने के लिए हमें क्या सिस्टम बनाना होगा, किस कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और एक टीम वर्क में किस तरीके से काम होगा। मतलब योजना को धरातल पे लाने से पहले उसके ऊपर पूरा जो है फोकस होता है, उस पर पूरा जो है चिंतन मनन होता है और उसके बाद जो है धरातल पे योजना आती है। जिस तरीके की बात जो है अभी मनीष जी ने कही, मनीष जी ने दो तीन बातें कही, पहले मैं आपको आपके प्रश्न के हिसाब से मैं जवाब दे देता हूँ कि इन्होंने कहा कि जो है अधिकारियों के ट्रांसफर होते रहते हैं, तारतम्य जो है उनमें बन नहीं पाता है, मंत्रियों के पास काम होते हैं। तो ये देखिए इनका जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में ये इस बात को कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि सरकार ने ये जो स्मार्ट सिटी की योजना जो लेकर आई है, कहीं ना कहीं सरकार ने या तो पहले स्टडी नहीं की और ये नहीं तय किया कि हमें किस तरीके से काम करना होगा, या फिर अगर उन्होंने तय किया है तो हमारी राज्य सरकार जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो योजना के साथ जो है अपने आप को पूरी तरीके से जो है काम कर नहीं पा रही है या उनकी काम करने की मंशा नहीं है। जिस तरीके की बात आज के उद्घाटन के कार्यक्रम में आप अगर आपने उसका पता आपको जानकारी हो तो उसमें बाकायदा इस तरह की बात आई, मंत्रियों ने कहा हमें पता नहीं है। जो शहरी विकास मंत्री, उन्होंने कहा कि भी मैं जयपुर का नहीं हूं, आपके मुख्य सचिव जयपुर के नहीं, आप लोग ही जयपुर के हैं, आपको काम करना है। तो जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप लोगों के बीच में आपसे तारतम्य नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी विफलता है। और यही कारण है जैसा कि मैंने पहले कहा कि नाम बहुत स्मार्ट है, परियोजनाओं का जो लोकार्पण है वो भी बहुत स्मार्ट है, लेकिन काम स्मार्ट नहीं है। अभी जो है हमारे मनीष जी जो है जयपुर के महापौर रह चुके हैं आप पहले, और अगर ये उदाहरण जयपुर का देते तो समझ में आता, इन्होंने बीकानेर का उदाहरण लिया, जयपुर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है और जयपुर का कोई छोटा सा उदाहरण ही देते कि हाँ हमने देखिए ये काम वहां पे कर दिया है, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। आज जयपुर की जो स्थिति पिछले 3 साल के अंदर जो हुई है वो बद से बदतर होती जा रही है, चाहे वो हमारा ट्रैफिक का सिस्टम आप मान लीजिए, चाहे आप जो है यहाँ की सड़कों की व्यवस्था मान लीजिए, या जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, पानी की व्यवस्था हो, या आप ये देखिए कि जो इनका सबसे बड़ा जो स्वच्छता अभियान जिसको हम कहते हैं, तो स्वच्छता अभियान में जयपुर की क्या स्थिति है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, नगर निगम, जेडीए के ऊपर तो लगातार जो है अदालत की जो है हमारी जो कोर्ट है हाई कोर्ट, वो बार बार प्रसंज्ञान लेकर इनको कह रहे हैं कि आपने मास्टर प्लान के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए, लेकिन लगातार जो है जेडीए जो है मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ करते जा रहा है। तो आप ये देखिए कि कहीं भी जो है सरकार का जो काम करने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, जिसके कारण उसकी खुद की योजनाएं जो है वो धरातल पे नहीं आ पा रही है। साथ में हाईकोर्ट की तरफ से भी लगातार बार बार जो है सरकार को इस बात के लिए जो है टोका टोकी करनी पड़ती है, बताना पड़ता है। आज इतना बड़ा हमारे यहाँ रामगढ़ बांध की जो स्थिति है उसको लेकर कितनी बार सरकार और जो है हाईकोर्ट के बीच में बातचीत हो चुकी है, लेकिन आज भी धरातल के ऊपर काम नहीं हो रहा है। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि अगर कोई भी योजना हम लेकर आते हैं तो उस योजना को मूर्त रूप में लाने के लिए किस तरह का तारतम्य मंत्रियों में, अधिकारियों में होगा, ये तो पहले से तय होना चाहिए। आज जब योजना आप लागू कर चुके हैं, उसका दूसरा चरण का उद्घाटन आप कर रहे हैं,
और आप ये कह रहे हैं कि मंत्रियों के अधिकारियों के ट्रांसफर हो जाते हैं, मंत्रियों के मंत्रालय बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की जो धरातल पे जो काम करने की जो नीति है या जो योजना बनाने का जो क्रियान्वयन करने का जो तरीका है उसमें बहुत बड़ी खामी है, और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, और जनता का वो जो खून पसीने का पैसा जो सरकार के पास है वो सरकार जो है उसको जो है पानी की तरह कहीं ना कहीं बहा रही है, उसको व्यर्थ जो है खर्च कर रही है उस पैसे को। मनीष जी, जिस तरीके की बात नगेंद्र सिंह जी ने कही और आपके मंत्री साहब ने भी कही है इस बात को लेकर कि डेढ़ साल का उन्होंने दावा किया है कि डेढ़ साल के अंदर जो ये योजना है इनको मूर्त रूप में लेकर आ जाया जाएगा, ये योजनाएं पूरी कर ली जाएंगी, लक्ष्य तय किया गया है, तो क्या हम माने कि ये सारा सब कुछ जो योजनाओं का जो लक्ष्य है वो चुनाव को देखते हुए किया गया है? चुनाव आने वाले हैं, डेढ़ साल बाद राजस्थान के भी चुनाव हैं, तो क्या उन चुनावों को देखते हुए ताकि जनता के सामने जाएं तो ये सारी चीजें गिनाई जा सके, क्या एक रीजन वो भी है इन सारी चीजों के पीछे? नहीं नहीं, वो तो ये है कि भाई फाइनल के बाद ही तो कप ट्रॉफी का होता है, ये बात सही है कि प्रारंभिक मैचेस को जो क्वार्टर फाइनल होगा ये तो होता ही है, ईयर बाय ईयर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने भी जो बात बताई वो पूरी टेस्ट मैच खेल लिया जाए ताकि जब 2020 की बात आए, चुनाव के दौरान जब 2020 खेलना हो तब देखा जाए कि किस तरीके से इसका फायदा उठाया जा सके, इसलिए अभी थोड़ा धीमी गति से काम किया जाए और इसको खींचते खींचते चुनाव तक ले आया जाए, तो योजनाओं को शायद इस वजह से कछुआ चाल चलाया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, जिस तरह से फंड आते हैं उसका यूटिलाइजेशन होता है, नए प्लान बनते हैं, वो तो एक बात है। मैंने आपको इसलिए कहा, मैं कोई भाजपा की सरकार की बात मैंने नहीं की थी, मैंने ये कहा था कि जो ओवरऑल जो टेक्निकलिटीज शर्मा जी ने बताई कि टीम नहीं बन पाती है ऑफिसर्स का, और ऐसी टीम मजबूत बननी चाहिए जो एक्सपर्ट हो, वो उस और प्रयास हो रहा है, वो भी बीजेपी की सरकार ही कर रही है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन जैसे जयपुर के बारे में आपने नगेंद्र जी ने कहा, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ताल कटोरे का डेवलपमेंट है, जल महल का है, नारगढ़ सेंचुरी है, जवाहर सर्किल है, ये सब हुआ ही है, तो दुर्गापुरा की पुलिया ये सब कांग्रेस के समय काम शुरू हो चुका था, ये कांग्रेस ने कायाकल्प की, जयपुर की किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले तीन साल में आपने क्या किया आप तो ये बताइए ना, पिछले तीन साल में जो है आपने एक काम नहीं किया जयपुर के अंदर, आपने जयपुर में मंदिर तोड़े हैं, आपने जयपुर में मंदिर तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया पिछले तीन साल के अंदर, और आपको काम नहीं करने के कारण आपके मेयर को जो है इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा देने के बाद भी अभी तक कोई सुधार जयपुर के नगर निगम की तरफ से नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुर्गेश जी कि ये वो टीम है जो बिना रणनीतिक तैयारी के जो है क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतर जाती है, बिना प्रैक्टिस के जो है मैदान में उतर गई, वो टीम है ये, तो ये जो है सिर्फ मैदान में उतर गए हैं लेकिन इनको पता नहीं करना क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि यही कारण है भारतीय जनता पार्टी की साफ गोई और सादगी का, जो भी उपलब्ध संसाधन होते हैं उसका भरपूर उपयोग किया है, बीसलपुर की योजना से हम आधे शहर को पानी पिला रहे हैं, उसके दिमाग में नहीं आई थी, और यही कारण है बिल्कुल आपके आप ही कर रहे हैं सब कुछ। शर्मा जी से जरा समझ ले, पानी भी आप पिला रहे हैं, शर्मा जी का बड़ा एक्सपीरियंस है, शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, पानी की तरह बहा रहे हैं और जनता को पानी पिला रहे हैं, यही काम भाजपा की सरकार कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। प्राधिकरण की बात हुई वो भी भारतीय जनता पार्टी ने लाई, अब नारगढ़ चलिए एक बार शर्मा जी से जरा समझ ले, शर्मा जी कोई संभव नहीं, क्या लगता है टाउन प्लानिंग एक बहुत बड़ा मामला है और शहरों का विकास जो है सबसे बड़ी अहमियत हर सरकार की रहती है, लेकिन जब योजनाओं के क्रियान्विति की बात आती है तो कहीं कहीं लेकुनाज रह जाते हैं। हर व्यक्ति जो है, हर शहरवासी जो है, वो अपने शहर को स्मार्ट देखना चाहता है, उसको चाहिए स्वच्छ हवा चाहिए, उसको स्वच्छ पानी पीने का चाहिए, उसके साथ साथ मूलभूत आवश्यकताएं जो उसकी है, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो, वो सब उसको चाहिए, लेकिन सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहती है और क्राउडेड होते जाते हैं रोड्स, और क्राउडेड होते जाते हैं हमारे शहर, लेकिन जो एक साइंटिफिक तरीके से बदलाव शहर का होना चाहिए उसमें कहीं कहीं बहुत बड़ी दिक्कतें पेश आ जाती हैं, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो भी इसमें अटक जाते हैं, और सरकारों की जो इच्छा है वो भी कहीं कहीं धराशायी हो जाती है, और योजनाएं जो हैं वो कागजों में सिमट कर रह जाती है। आखिर बड़ी वजह क्या है, हम ये जानना चाहते हैं, सरकारें चाहे गहलोत सरकार रही हो चाहे राज्य सरकार रही हो, काम करने की इच्छा शक्ति दोनों सरकारों ने दिखाई, लेकिन होता यह कि योजनाएं जो है वो कहीं कहीं कागजों में दबकर रह जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों, कमी कहां है, लेकुनास कहां है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए साहब, योजनाएं दो तरह की हैं, एक तो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, एक राज्य सरकार की योजना है।
राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन है और केंद्र सरकार की जो योजना उसके पास संसाधन भरपूर है और केंद्र सरकार की ये स्मार्ट सिटी योजना केंद्र सरकार की योजना है। तो मेरा निवेदन इसमें यह है कि इसमें कम्युनिकेशन गैप है राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में। किसी भी योजना को लागू करने से पहले हमें चाइना का मॉडल देखना चाहिए। चाइना इतना फास्ट ग्रोइंग कंट्री क्यों है, आप देखिए वहां सारी योजनाएं एक बहुत नियोजित तरीके से लागू होती हैं। किसी भी योजना को लागू करने से पहले लागू करने वाले अधिकारियों और वहां के राजनेताओं और वहां की जनता का जो भावनाएं मूलभूत आवश्यकताएं उन तीनों का सामंजस्य बैठाया जाता है और तीनों का सामंजस्य बैठाया जाता है उसी के आधार पर संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं और फिर टाइम पीरियड दिया जाता है। इसी टाइम पीरियड में आपका वो होना चाहिए। यहाँ इस चीज का सख्त अभाव है। यहाँ योजनाएं केंद्र सरकार से आ गई, इंप्लीमेंट करने वाले अफसर उनको डाइवर्ट कर देते हैं लोअर स्टेज पे, लोअर स्टेज वाले अनस्किल्ड होते हैं और जब इसकी मीटिंग राजनेताओं के पास होती है तो राजनेताओं को के पास वही चीज होती है जो केंद्र सरकार द्वारा बुकलेट दी जाती है। इसका गहन मंथन होकर के अगर स्मार्ट सिटी परियोजना लागू की जाती है तो इसके परिणाम ही बहुत बढ़िया आते, पहला चरण का ही बहुत अच्छी उपलब्धि हो जाती। आज मैं जयपुर के आप बताऊं, जयपुर में जितनी कॉलोनियां हैं उन कॉलोनियों में चाहे विकसित कॉलोनी है और चाहे अनअप्रूव्ड कॉलोनी है मूलभूत सुविधाओं का पूर्णतः अभाव है। बिल्कुल, जेडीए की जेडीए और नगर निगम के मापदंड है 60 और 40 के रेशो में कॉलोनियां विकसित होनी चाहिए। 60% आवासीय होनी चाहिए, 60% में भी 10% कॉमर्शियल और अन्य एक्टिविटीज के लिए होनी चाहिए और बाकी 40% पार्क वगैरह के लिए होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए होनी चाहिए। लेकिन एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें 60-40 का रेशो, बल्कि कई कॉलोनियां तो ऐसी हैं जिनमें पार्क ही नहीं है। दिक्कत क्या है कि योजनाओं को लागू करने से पहले नेताओं को वोट बैंक की राजनीति भी करनी होती है। अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में अगर इस तरीके से हो जाएंगे तो चंदा भी मिलता है साहब, इसलिए राजनेताओं के साथ कई दुविधाएं भी होती है। मनीष जी आपके तरफ आना चाहूंगा, एक बहुत बड़ी बात शर्मा साहब ने कही है कि जो सामंजस्यता की समन्वय की जो कमी है वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केंद्र की तरफ से योजनाएं आती है, राज्य सरकार पर थोप दी जाती है, राज्य सरकार जो है वो पहले से जो अपनी योजनाएं चला रही होती है वो किसी और नाम से हो सकता है कि हो, लेकिन होता यह कि केंद्र की सरकार की जो योजना है उसका बजट लेना है तो उसको उस तरीके से काम करना भी पड़ेगा। तो क्या कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में समन्वय की कमी भी रहती है, क्या ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के बीच में और जो जनता है जिसके लिए योजनाएं बन रही है उनकी तो नुमाइंदगी होती नहीं है, क्या इन सबको जोड़ना बहुत जरूरी है, आपको लगता है कि जोड़ा जाना चाहिए, और अगर जोड़ा जाना चाहिए तो क्या जो स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर योजनाएं बनाएगी उसमें जोड़ा गया है या नहीं गया है। और रही बात जैसा कि आपने बजट के लिए भी कहा था कि 100 करोड़ बहुत, एक शहर के प्लानिंग के लिए बहुत छोटी सी रकम है, हम भी मानते हैं कि बहुत छोटी सी रकम है, क्या लगता है केवल एक 100 करोड़ रुपए एक शहर को एक साल में दे देने से क्या वो स्मार्ट बन जाएंगे? जवाब आपका, आपकी प्रतिक्रिया मनीष जी। नहीं दुर्गेश जी, मैंने कहा कंसेप्चुअल तो बात चालू हुई है, ये बात भी है, जब एक साथ 100 शहरों को आप 200 करोड़ 500 करोड़ करते हैं तो वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, लेकिन एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो शुरू से कह रहा हूं मैं, जिसमें सस्टेनेबल एस्पेक्ट्स पर डेवलपमेंट होता है शहरों का, उन चीजों के लिए ये चीज शुरुआत है, ये कंसेप्चुअल बात है। और इसमें जैसे आप कहेंगे एक सड़क केवल एक अकेली मद है, इसको पंचायत भी बनाती है, निगम भी बनाता है, यूआईटी बनाती है, फिर पीएचडी ये जो अपने पीडब्ल्यूडी भी बनाती है, राजमार्ग अथॉरिटी भी बनाती है, एक अकेली सड़क ऐसी मद है जिसको 6 एजेंसियां बनाती है। तो ये बात तो सही है, सबका अपना अपना काम होता है और उसी आधार पर उससे विकास होता है और सबका अपना योगदान भी है, अंशदान भी माना, है। मनीष जी माना, ये एक बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब है, इसको बिल्कुल हम मानते हैं कि एक ही सड़क को बनाने के लिए कई एजेंसीज हैं, तो क्या उनका समन्वय जरूरी नहीं है, क्या उनमें आपस में हो, या फिर सरकार में आप लोग हैं, आपके पास पूरी मेजोरिटी है, आप इन सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि आपस में विभागों का सामंजस्य नहीं होता है, रोड बनाई जाती है और पता चलता है पेयजल वाले उसको फिर खोद डालते हैं पाइपलाइन डालने के लिए, वो वापस उसको जैसे जैसे ठीक कराई जाती है फिर सीवर वाले आ जाते हैं, सीवर लाइन डालने के लिए आ जाते हैं, फिर पता चलता है कि अंडरग्राउंड केबलिंग करनी है, लाइट वाले आ जाते हैं, और वो जो सड़क के ऊपर जितना पैसा लगा होता है, गाड़ी कमाई जो जनता की है वो सब पानी हो जाती है, कहीं कहीं समन्वय की कमी, तो ये तो आपको भी मानना पड़ेगा। तो क्या सरकार में आप हैं तो क्या इन सारी चीजों को एक सिस्टम को आप वापस से डेवलप नहीं कर सकते? नहीं, मैंने आपको कहा कि इसके लिए भी
पूरे स्मार्ट सिटी की जो कमेटी बनी है, ऐसे ही एम्पावर कमेटी बनी है, वो कमेटियां इसीलिए बनाई गई है कि जो विभिन्न विभागों में समन्वय का काम करे। तो हाउसिंग बोर्ड जब कॉलोनी बनाता है उस समय की सड़क वो अपनी बनाता है, अब हाउसिंग बोर्ड के पास सड़क बनाने का भी काम आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक ही सड़क तो सब बनाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सब अपने अपने इलाके उनके बटे हुए हैं, वहां पर वो काम करते हैं और अल्टीमेटली आप सड़क की संख्या अगर देखेंगे तो वो एक किलोमीटर्स में 1000 किलोमीटर्स में जाती है। अगर सबको आप अलग अलग कर देंगे और एक ही सड़क का काम होगा तो वो संभव इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हाउसिंग बोर्ड इस पर विचार कर रहा होगा तो जीडीए का अलग तरह से होता है और इसी तरह से जो पीडब्ल्यूडी है वो अपने अलग प्राथमिकताओं पर काम करती है, तो राजमार्ग प्राधिकरण अलग विषय पर काम करता है। तो ये तो नहीं हो सकता कि सब काम एक जगह कर दिया जाए, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेशन की जो संभावनाएं हैं वो असीमित है, पक्की बात है। कोऑर्डिनेशन है, कंपोजिशन है, वो सब होना चाहिए और इस चीज का धीरे धीरे हुआ भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि एम्पावर कमेटी इसीलिए बनाई गई है ताकि जो विभिन्न एजेंसियां हैं वो काम करें। जो आमेर विकास प्राधिकरण है वो अपना काम करेगा तो जयपुर विकास प्राधिकरण अपना काम करेगा। ये बात भी सही है कि दोनों के एक तरह के काम हो सकते हैं, टेंडर चूंकि सब सरकारी प्रक्रिया के आधार पर होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो उसके कारण उनके काम का विभाग का बंटवारा हो सकता है, लेकिन सबकी अनिवार्यता सबकी आवश्यकता अलग अलग आधार पर होती है। एक सहयोग और समन्वय जो है उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, उसकी संभावनाएं हमेशा रहेगी। चलिए, तो एक संभावनाओं पर कायम है और संभावनाएं बनी भी रहनी चाहिए और हम भी चाहते हैं कि हमारे जो शहर हैं वो स्मार्ट हो। नगेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल हम अगर बात राजस्थान की करें, राजस्थान के शहरों की करें और चार जो स्मार्ट सिटी को लेकर बनाए जा रहे हैं और विशेषकर जयपुर की तरफ सारी निगाहें रहती है, जयपुर के विकास को लेकर क्या लगता है किस तरीके की खामियां जो है वो सामने रहती, क्या कमियां रह जाती है, क्यों समन्वय नहीं हो पाता है, क्या कारण है, क्या बजट की कमी है, क्या क्रियान्वयन की कमी है, या ब्यूरोक्रेसी की कमी है, या सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, क्या देखते हैं आप? नहीं दुर्गेश जी, इसमें तो जो सीधे तौर पे जो दिखाई देता है जयपुर की अगर हम बात करें और ये स्मार्ट सिटी का की जो परियोजना जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति में भी कमी है और कहीं ना कहीं योजना को क्रियान्वित करने से पहले जो उसके ऊपर पूरा कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, उसके ऊपर जो रणनीति बनाई जाती है उस रणनीति का पूर्णतया अभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो पैसा है जनता का पैसा है और सरकार को जो है बहुत तरीके से जो है इस पैसे को खर्च किया जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति बनाकर किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले कैसे क्रियान्वयन होगा उसकी पूरी रणनीति अगर बनेगी तो निश्चित रूप से विभागों में भी समन्वय हो जाएगा और जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ भी उनको भी पूरा सम्मान देते हुए उनकी बातों को, उनकी जो सुझाव है उनको उसमें शामिल किया जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं किसी का विरोध नहीं होगा और एक मूर्त रूप में हमारी योजना लागू हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके की स्थिति हमारे सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि सरकार जो है उसकी इच्छा शक्ति में भी कमी है। मैं तो सीधे तौर पे आपसे ये कह रहा हूँ कि शायद केंद्र सरकार की इच्छा होगी, हो सकता है राज्य सरकार जो है उसकी इच्छा उतनी नहीं होगी, इसी कारण ऐसी स्थिति हमारे सामने आ रही है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि पहली जैसा कि शर्मा जी ने भी कहा कि अगर सही तरीके से योजना क्रियान्वित होती तो पहले चरण का जो काम है उसमें कहीं ना कहीं वो दिखाई देता, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा और यही कारण है कि मंत्रियों के और जो हमारे सांसद हैं इवन जो महापौर हैं उन तक ने भी आज जो है ये स्मार्ट सिटी के लोकार्पण के अंदर अपनी चिंता जो है उन्होंने जाहिर की भी हमसे इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा मुख्य तौर पे कि शर्मा जी क्योंकि आपका बड़ा खासा अनुभव है, क्या लगता है क्योंकि इन सारे स्थितियों को आपने करीब से देखा है, शहर स्मार्ट हो हर राजनीतिक दल भी चाहता है, वहां का शहरवासी भी चाहता है, हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम भी जिस तरीके से फॉरेन में जैसा कि आपने चाइना की बात करी हमारे से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर है, हमसे ज्यादा दयनीय स्थिति में वहां के शहर थे, गंदगी का अंबार वहां हुआ करता था, लेकिन उन्होंने उसको ऐसा डेवलप किया कि जो गंदे नाले थे वो पर्यटक स्थल बन चुके हैं और चाइना का एक अच्छा मॉडल जो है वो दुनिया के सामने। क्या हम उस मॉडल पर नहीं चल सकते, क्या कुछ कमियां हैं? शर्मा जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से सरकारों को काम करना होगा, किस तरीके से शहरवासियों को काम करना होगा, क्या इसके लिए भी एक जन जागृति का कोई कार्यक्रम चलाना पड़ेगा शहरवासियों को जो है सिविक सेंस सिखाने के लिए? दुर्गेश जी, इंडिया में हमारे देश में सबसे बड़ी बात है कोई योजना आती है उसका राजनीतिकरण हो जाता है जी,
चाइना में राजनीतिकरण नहीं होता, योजना आई है तो उसको इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा। इसका राजनीतिकरण, आरोप प्रत्यारोप, इन सब चीजों को हटा के एक कोई योजना अगर अपन लेके आए स्मार्ट सिटी, तो ये कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस भी जनता की प्रतिनिधि है, बीजेपी भी जनता की प्रतिनिधि है, और ये दोनों ही जनता के प्रति उत्तरदायी है। अगर जनता के लाभ के लिए, जनता के वैभव के लिए, जनता की वैभूति के लिए अगर कोई योजना आई है तो उसको उसी रूप में बिना राजनीतिकरण किए उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नंबर दो, इसको इम्प्लीमेंट, अब इंडिया में कोई भी योजना लाने से पहले उसको ठोक बजा करके राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से, उनको लागू करने वाले एजेंसी हैं उनसे केंद्र सरकार की मीटिंग होनी चाहिए, और उनमें राजनेताओं को जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज को परिलक्षित करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, उनकी राय ली जानी चाहिए। कि जैसे कोई भी आप एक कॉलोनी ले लीजिए, सी स्कीम ले लीजिए, सी स्कीम पहले आवासीय कॉलोनी थी, आज ये कॉमर्शियल, पूरी कॉमर्शियल हो गई, तो आज के रिक्वायरमेंट में कॉमर्शियल हो गई, तो स्मार्ट सिटी में इस सी स्कीम में क्या परिवर्तन किया जाए कि जो अंतरराष्ट्रीय या नगर नियोजन के मापदंडों के अनुरूप भी हो और इसका कॉमर्शलाइजेशन भी हो जाए। तो इन सब चीजों को पहले ठोक बजा के देखना चाहिए। दिक्कत क्या होती है, बिल्कुल एक बड़ी बात शर्मा जी आपने कही है, और हम यहाँ कंक्लूजन भी यही करना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी को लेकर कवायद मोदी सरकार कर रही है, राज्य सरकारें उसमें कंधे से कंधे मिला के आगे चलना चाहती है और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिशों में भी लगी हुई है। विल की अगर बात करें तो विल भी सरकारों की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेकुनास जरूर है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन बड़े मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, साथ ही समन्वय एक होना चाहिए, सर्वसम्मति बनानी चाहिए, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, चाहे जनता हो, चाहे और दूसरे राजनीतिक दलों के जो लोग हैं और जो विशेषज्ञ हैं, उनकी राय लेकर योजनाओं को देखना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आपस में भी समन्वय की बहुत बहुत जरूरत है, और उसके साथ सबसे बड़ी बात, जनता के प्रति सरकारों को उत्तरदायी तो होना पड़ेगा। समय सीमा पर योजनाओं को पूरा अगर नहीं कर पाती है तो इसके लिए सरकारों को जवाबदेह बनना पड़ेगा, तभी जाके हमारी जो सोच है वो स्मार्ट सिटी की अगर हम लेकर चल रहे हैं तो वाकई हम शहरों को स्मार्ट बना पाएंगे। तो आज की खास खबर में इतना ही। हमारे साथ बीजेपी से मनीष पारिख साहब जुड़े, कांग्रेस से नगेंद्र सिंह शेखावत साहब जुड़े, और पूर्व चीफ टाउन प्लानर सीएस शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में भाग लेने के लिए आपका। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।